YouTube पे एक नया और धमाकेदार गाना आया है जिसका नाम है रोशनी, और इस गाने रोशनी की जो स्टार कास्ट है वो हमारे साथ मौजूद है। तो चलिए बात करते हैं उनसे उनके इस गाने के बारे में। स्वागत है आप दोनों का हमारे चैनल में। थैंक यू। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल अनूप जी, आपसे जानना चाहूँगी, पहले तो बधाई आपको आपके गाने के लिए। थैंक यू सो मच। सर, आपसे जानना चाहूँगी, आपने जो रोशनी सॉन्ग है उसको कंपोज किया है, और जैसे कि हम देख सकते हैं फिल्म फेयर अवार्ड का आपको बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला है, तो क्या कहना चाहेंगे? आई थैंक ऑल माई डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स फॉर द प्रोजेक्ट विच आई गॉट द फिल्म फेयर अवार्ड। एंड ये रोशनी सॉन्ग वी रिसेंटली कंपोज करके टिप्स म्यूजिक कंपनी द्वारा लाइक के साथ रिलीज हुआ, एंड इट्स गेटिंग वेरी गुड रिस्पॉन्स, एंड इट्स अ हार्ट टचिंग मेलोडी, मीनिंगफुल सॉन्ग। स्नेह मैम, आपसे जानना चाहूँगी, आपने गाना गाया है, बड़ा ही खूबसूरत सॉन्ग है, हमने सुना है जाके, तो कितना टाइम लगा इस गाने को बना के रेडी करने में? अनूप ने तो बहुत जल्दी कर लिया था, ही इज़ एक्सपर्ट एक्चुअली, तो बहुत जल्दी कर लिया था हमने और बहुत इन्जॉय किया गाने को। अच्छा, एक ये जो है बड़ा ही मेलोडी सॉन्ग्स है, तो दो लाइन अगर आप एक बार हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। नहीं, आई कांट सिंग एक्चुअली, बहुत काम, मुझे कोल्ड है ना, सो प्लीज। अच्छा, आप दोनों साथ में गा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, आई विल ट्राई। रोशनी से यहाँ अंतर। ओके, आई स्टार्ट। सी, मेरा बहुत फेवरेट लाइन है, तो जस्ट आई स्टार्ट विद दैट। दो राह पर है जिंदगी कड़ी, बोलो जाना कहाँ है। रोशनी जिंदगी से गुम कहाँ है, सब है मगर जाने सुकून कहाँ है। अच्छा, इस सॉन्ग जो है आपका रोशनी, इसे आप क्या संकेत जो देना चाहते हैं लोगों को? सी, ज़िंदगी में हमको सब कुछ है, लेकिन 100% सुकून पीस है बोले तो क्वेश्चन मार्क है। सो इन दिस सॉन्ग वी explain like try to explain about the life journey of life. Basically सुकून और शांति का जो संदेश है ये गाना दे रहा है। हाँ। स्नेह मैम, आपसे जानना चाहूँगी, अभी कुछ ही टाइम हुआ है गाने को रिलीज़ हुए और 9 लाख से भी ज़्यादा जो है कि इस पर व्यूज़ आ चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? जनता इतना प्यार कर रही है सॉन्ग को। बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैंने सोचा भी नहीं था कि लोगों को इतना पसंद आएगा। So all credit goes to him only. Actually, we just started like this. Ma'am, jab studio ko aaya tha, like she has a good voice. So I suggested her to record some of her own like single. So she insisted me only, why don't you compose? Then Piyush sirji and madam, when they asked, and I could not say no, and I composed the song. Then all this happened. तो अनूप जी, जल्द ही हम आपको किन किन सॉन्ग्स में देखने वाले हैं कंपोज करते हुए? मोर ऑफ हिंदी सॉन्ग्स आई वांट टू लाइक, एंड वन विद मैडम आल्सो वी आर डूइंग, सो मे बी दिस ईयर सेकंड ऑफ वी विल रिलीज वन मोर सॉन्ग। तो किस टाइप के, स्नेह मैम, ये अवार्ड जो है होने वाला है जो आप अनूप सर के साथ करने जा रहे हैं, ये भी मेलोडी सॉन्ग होगा? हाँ, मैं मेलोडियस गाना ही पसंद करती हूँ, सो मेलोडियस ही होगा, आई होप। सो थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो ये थे सॉन्ग रोशनी की स्टार कास्ट, जिन्होंने अपने गाने के एक्सपीरियंस को शेयर किया। यूट्यूब पे ये गाना आ चुका है, गाना बेहद ही खूबसूरत है, जल्दी जाएं यूट्यूब पर इस गाने को देखें और इन्जॉय करें। कैमरा पर्सन जतिन गुप्ता के साथ कनक माथुर, NBC न्यूज़ हिंदी, दिल्ली। फर्स्ट ऑफ ऑल हाई एवरी वन, एंड थैंक यू फॉर कमिंग, ऑल द मीडिया एंड वॉट एवर द प्रेस, the print media and the electronic media also. So actually this song, ye gana jab Sneha ji aur Sneha ji ke husband Piyush ji mere paas aaye studio mein, to Sneha ji ka voice mujhe acha laga tha. Kyun bolte,
actually she has a unique voice which has a soul and a melodious voice, like when we listen to 80s Bollywood songs, no, like 70s and 80s, so that kind of texture Sneha ji ke voice mein mujhe laga. So they were like mera studio ko like for the voice testing aaye the, so I suggested her to do one single. So they were very happy, and that's how we started producing this song. It's called Roshini Zindagi Se Gum Kaha Hai. So it got released recently with the Tips Audio, and it's doing very well. We have almost reaching 1 million views. See, it's a long way actually. I've been in the industry doing couple of movies, and also I did the background score for Buddha Hoga Tera Baap. Yes, and also like the Tadka, one movie is coming, like Nana Patekar. Yes. So, and see, it's always a pleasure like doing different kinds of languages, different languages. I've done Kannada, I've done Tamil and Telugu mainly. And now I want to do more Hindi also. So it's only music for me in my life.